गर्मियों के मौसम की शुरुआत होने वाली है, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट बताने वाला हूँ जो गर्मियों के मौसम में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं और जो बल्ब से ग्रो होते हैं। ऑनलाइन ये बल्ब काफ़ी कॉस्टली आते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी नर्सरी पे लिए चलता हूँ जहाँ पर ये बल्ब आपको बहुत ही सस्ते में जो है वो मिल जाएंगे, और अगर आप इनसे चाहें तो ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, ये आपको जो है वो ऑनलाइन डिलीवरी भी कर देंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इनके पास कौन कौन से फ्लावरिंग बल्ब जो हैं वो अवेलेबल हैं और उनका जो प्राइस है वो क्या रहने वाला है। और मैं आपको ये जानकारी भी दे दूंगा कि आपको किस तरह के बल्ब खरीदने चाहिए जो जल्दी फ्लावरिंग करने लगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल माई क्यूट होम गार्डन। तो आज हम आए हैं गोला डेरी आयुष खाद और बीज भंडार पे। तो यहाँ पर गर्मियों के फूलों वाले पौधों के जो बल्ब हैं वो आ चुके हैं, तो एक एक करके मैं वो बल्ब आपको दिखाऊंगा और बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर जो है वो उनके ऊपर उगते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी तरह के जो बल्ब हैं यहाँ पर आए हैं, तो सभी मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा कि कौन कौन से जो बल्ब है वो इनके पास मौजूद है और उनकी जो कीमत है वो क्या होगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। और अगर आप इनसे ये बल्ब जो है वो ख़रीदना चाहते हैं तो इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल और यहाँ का जो लोकेशन है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो बल्ब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये वाले बल्ब आपको नज़र आ रहे हैं, ये है, देखिए नाम भी इन्होंने जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये है क्लेडियम। और क्लेडियम जो है वो बहुत ही खूबसूरत बल्ब से उगने वाला प्लांट है। इसके जो पत्ते होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत जो है वो नज़र आते हैं। तो देखिए क्लेडियम में जब भी आप बल्ब परचेज करते तो ऐसा बल्ब परचेज करें, ये वाला दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए यहाँ से कुछ स्प्राउटिंग जो है वो आपको नज़र आ रही है। तो इस तरीके का क्लेडियम का जो बल्ब है वो आप खरीद सकते हैं। तो इनका जो प्राइस है क्लेडियम का वो उन्होंने जो है वो 15 रुपीज़ रखा है। और देखिए एक और अच्छी बात यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे जो बल्ब मिलते हैं वो बहुत ही सस्ते मिलते हैं ऑनलाइन के कंपैरिजन में। ऑनलाइन में जो बल्ब होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, तो काफ़ी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जो है वो इनके पास देखने को मिलेंगे। तो सेकंड बल्ब की तरह जो है वो मैं आ जाता हूँ। तो ये है आपका, तो ये है नेरिन नेरिन लिली बल्ब तरीके का होता है। यहाँ पर देखिए कुछ आपको इसे देख के लगेगा कि भैया ये तो प्याज है, तो ये देखिए कुछ इस टाइप का जो बल्ब है वहाँ पर देखने को मिलता है। और देखिए जब भी आप किसी भी फ्लावर का बल्ब परचेज करते हैं तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए कि बल्ब का जो साइज़ है वो हमेशा बड़ा साइज है। बड़े साइज में क्या होता है, फूल जो है वो जल्दी आते हैं क्योंकि वो एक मेच्योर बल्ब जो है वो होता है, तो वो आपको जो है वो ख़रीदना चाहिए। तो ये भी इन्होंने इसका जो प्राइस है वो 15 रुपीज़ ही रखा है। तो ये देखिए इसका जो बल्ब है वो कुछ इस तरीके का नज़र आता है। तो नेक्स्ट फ्लावर बल्ब पे जो समर में ग्रो होते हैं ये है यूकेरिस। और यूकेरिस आप देख सकते हैं कि कुछ बल्ब जो हैं वो इस तरीके के नज़र आते हैं, तो बड़े बड़े बल्ब जो हैं वो आपको लेने चाहिए। तो ये देखिए कुछ ऐसा बल्ब जो है वो आपको नज़र आएगा, तो आप ये बल्ब भी जो है वो यहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो इनका प्राइस भी जो है वो इन्होंने 15 रुपीज़ ही रखा है। तो आपको मैं नेक्स्ट बल्ब पे जो है वो लिए चलता हूँ। तो ये है लाइकोरिस। देखिए लाइकोरिस के जो बल्ब हैं वो कुछ इस तरीके के जो है वो नज़र आते हैं। देखिए ऐसे लाइकोरिस के बल्ब जो होते हैं वो इस टाइप के होते हैं। तो देखिए बल्ब जैसा मैंने आपको बताया, बड़े साइज का बल्ब खरीदिए, जल्दी फ्लावरिंग होगी। तो ये आप देख सकते हैं, तो लाइकोरिस को भी जो है आप इनकी शॉप से आके जो है वो परचेज कर सकते हैं। तो अब मैं आपको नेक्स्ट बल्ब पे जो है वो लिए चलता हूँ। नेक्स्ट बल्ब जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये है कुरकुम्मा। और कुरकुम्मा के फ्लावर जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं,
ये देखिए, तो ये कुरकुम्मा के बल्ब जो हैं वो भी आप यहाँ से जो है वो परचेज कर सकते हैं। और बल्ब देखिए हेल्दी हैं, बड़े साइज़ के। तो हमेशा मैं शुरुआत से ही आपको बता रहा हूँ कि बड़े साइज के बल्ब जो हैं वो ही आपको खरीदने हैं। तो कुरकुम्मा भी आप यहाँ से जो है वो परचेज कर सकते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट बल्ब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये है हमारा रजनीगंधा। और देखिए रजनीगंधा के जो बल्ब हैं वो काफ़ी बड़े साइज़ के बल्ब हैं। तो ये जो बहुत बड़े साइज़ का बल्ब रजनीगंधा में आप देख पा रहे हैं, इसके जो है ना डबल पेटल का फ्लावर है। ये देखिए इसमें डबल पेटल का फ्लावर जो है वो आएगा, क्योंकि रजनीगंधा में जो है वो सिंगल पेटल और डबल पेटल जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो ये है हमारा डबल पेटल। मैं आपको उसका रजनीगंधा का जो है वो सिंगल पेटल भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो ये रजनीगंधा का बल्ब है जो कि सिंगल पेटल है। तो बल्ब जो बड़ा होगा आपको वही ख़रीदना है। इससे क्या होता है कि फ्लावर जो है वो जल्दी आता है, छोटे बल्ब में को मैच्योर होने में समय जो है वो ज़्यादा लगता है। और देखिए इन बल्बों में ख़ास बात होती है कि जब आप इनको एक बार परचेज कर लेते हैं तो हमेशा कंटिन्यूसली आपका गमला जो है वो नए नए बल्बों से जो है वो भर जाता है। तो आप फिर उसको जो है वो लगातार इसके बल्ब को ढूंढ के वो उगा सकते हैं। तो नए बल्ब की जगह मैं आपको लिए चलता हूँ। तो ये आपका जो है वो है अमेरिलस लिली। देखिए अमेरिलस लिली का फ्लावर भी बहुत ब्यूटीफुल जो है वो देखने को मिलता है। और अमेरिलस लिली के जो बल्ब हैं वो कुछ इस तरीके के जो है वो नज़र आते हैं। ये देखिए अमेरिलस लिली। और देखिए अगर आपको ऐसा मिल जाए कि जिसके अंदर ऐसा स्प्राउट निकला हो तो ये वाला बल्ब आप ख़रीद लीजिए, क्योंकि जल्दी उग जाएगा। बाकी हमेशा यही कहूँगा कि बल्ब के साइज़ के हिसाब से ही जो है वो ख़रीदना चाहिए। जितना बड़ा बल्ब होगा उतनी जल्दी फ्लावरिंग करेगा, क्योंकि वो मैच्योर बल्ब होगा। तो ये अमेरिलस लिली जो है आप परचेज कर सकते हैं यहाँ से, जिसका प्राइस जो है वो 15 रुपीज़ ही रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट बल्ब की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। तो ये है रेन लिली। रेन लिली के जो बल्ब हैं वो इस तरीके के छोटे छोटे बल्ब होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने लगाया हुआ है कि जो रेन लिली पिंक कलर का है, तो यहाँ पर इनको जो है वो पिंक कलर का रेन लिली भी आपको देखने को मिल जाता है। तो रेन लिली भी यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और रेन लिली के बल्ब का जो साइज़ है वो छोटा है, इसीलिए आपको जो है यहाँ पर 5 रुपये में देखने को मिल जाएगा। तो एक और कलर जो है वो रेन लिली का यहाँ पर मिलेगा, ये देखिए। तो ये जो है वो वाइट रेन लिली का बल्ब है। रेन लिली के बल्ब जो है वो छोटे छोटे ही होते हैं साइज़ के अंदर। तो ये देखिए, तो यहाँ से आप ये वाइट और पिंक रेन लिली जो है वो परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स एक और कलर जो है वो रेन लिली का यहाँ पर मुझे देखने को मिला है, येलो रेन लिली। तो येलो रेन लिली के जो बल्ब हैं वो कुछ इस तरीके के हैं। तो अगर आप नोटिस कर पाएँ तो 3 कलर के जो रेन लिली के बल्ब हैं वो इनके पास है, पिंक है, येलो है और वाइट है। तो 3 कलर के रेन लिली के जो बल्ब हैं वो आपको इनके पास जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ से आप परचेज कर लीजिएगा। अब तो अब मैं आपको नेक्स्ट बल्ब की तरफ जो है वो लिए चलता हूँ। तो नेक्स्ट बल्ब जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये है ग्लोरिसा। और देखिए ग्लोरिसा के बल्ब जो है वो कुछ इस तरीके के आपको दिखाई दे रहे हैं, ऐसे बिल्कुल कंद की तरह जो है वो नज़र आते हैं। ये देखिए, तो ग्लोरिसा के बल्ब भी आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और देखिए ग्लोरिसा का जो प्राइस है वो भी इन्होंने 15 रुपीज़ ही रखा है। तो मोस्टली जितने भी बल्ब है उन्हीं का सबका प्राइस 15 और 5 और 10 रुपीज़ के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो ग्लोरिसा भी आप यहां से जो है वो परचेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो बल्ब है वो है हडेशिया, या जिसको हम जिंजर लिली के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए जिंजर लिली क्यों बोला गया, क्योंकि इसके जो बल्ब है वो बिल्कुल ही जिंजर की तरह जो है वो नज़र आएंगे। ये देखिए अदरक की तरह नज़र आएंगे, तो इसीलिए जो है उसको जिंजर लिली जो है वो बोला गया है। तो यहाँ से जो है वो जिंजर लिली या हडेशिया को भी आप परचेज कर सकते हैं। इनका जो प्राइस है वो भी इन्होंने जो है वो 15 रुपीज़ ही रखा है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आकर जो है आप ये सारे बल्ब जो है वो इनसे परचेज कर सकते हैं। इनका एड्रेस, इनका कॉन्टेक्ट नंबर सब कुछ जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये ऑनलाइन ऑर्डर भी लेते हैं और ऑनलाइन डिलीवरी भी इनके पास अवेलेबल है। तो आप जो है वो इनसे ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, या फिर आयुष खाद और बीज भंडार पे आकर इन बल्ब को जो है वो आप सस्ते दामों में ख़रीद सकते हैं।
उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।